हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज भावित उठा है सुबह एंड ही वोक अप विद अ ईयरएक, तो उसके कान में बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके उसे लेके जा रहे हैं ENT के पास। तो वैसे तो मैं डॉक्टर सौरभ को दिखाती हूँ, पर ENT कान के लिए मैं उसे सिग्नेचर लेके जा रही हूँ। वहाँ पे पहले मैं ENT को दिखा चुकी हूँ एंड आई नो द डॉक्टर इज़ गुड। तो चलिए उसको पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। कहाँ जा रहे हो बेबी? डॉक्टर के पास जा रहे हो? ओ, क्या हो गया आपको? इस साइड में दर्द हो रहा है। कान के इस साइड में दर्द हो रहा है? ओ, कब से दर्द हो रहा है आपको? ये हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं मॉल में जाऊंगा। मॉल में भी जाओगे? अभी से प्लान बना लिया तुमने? नहीं, मैं मॉल में जाऊंगा। पहले डॉक्टर के पास चलेंगे फिर मॉल पे चलते हैं, ठीक है? माशे ने खुद ही प्लान बना लिया है कि डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसके बाद मॉल जाऊंगा खेलने। मुझे पूरे हफ्ते बोलता रहता कि मम्मा ले जाओ, तो मैं उसे बोलती हूँ वीकेंड में लेके जाऊंगे। तो ही नोज दैट कि टाइम अभी है, बोला जाएगा तो ले जाएंगे। चलिए बैग वैग रख लेते हैं एंड निकलते हैं। भाभी धीरे से चढ़ो, आप स्लो 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 चढ़ो, आराम से। मम्मा को भी जगह दो। ओके बाबू, आर यू हैप्पी? क्या स्कूल नहीं जाना है? स्कूल नहीं जाना है आज बाबू? डैडा की जान कौन है? बाबू का नाम क्या है? शम्मा। गुड, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। अच्छा, कॉल की स्पेलिंग बोल रहा है। कल मैंने इसे अल्फाबेट्स दिए और मैंने बोला कि बेबी ज़रा लगा दो, इसे अपना नाम लगा दो या कुछ। तो इसने सबसे पहले CALL निकाल के बोला, देखो मम्मा मैंने कॉल बना दिया, CALL कॉल। कितने देर खेलोगे मॉल में? मैं 5 times खेलूंगा। 5 times खेलोगे? उसके बाद 30 minutes खेलोगे आप, ठीक है? 30 minutes खेलूंगा, उसके बाद घर आ जाऊंगा। ओके, ठीक है, डन। जिद तो नहीं करोगे? नो, कि मुझे वहीं रहना है, मुझे नहीं जाना है। रोगे तो नहीं? नहीं। ठीक है, अगर आपने जिद किया फिर हम नहीं ले जाएंगे मॉल। ओके ओके, ठीक है। कैंडी भी लूंगा, मतलब पूरा प्रोग्राम सेट है इसका। दोस्तों यहाँ देखिए सामने ही सिग्नेचर हॉस्पिटल है, यहीं पर आए हैं। वैसे तो वी नेवर कम हियर एंड वी डोंट रिलाई ऑन दिस हॉस्पिटल बिकॉज हमारा पुराना एक्सपीरियंस इमरजेंसी में और इधर बहुत ख़राब था। बट डॉक्टर जो हैं ENT, उनको पहले हम दिखा चुके हैं भावित को, और भावित को हम लोग एक्चुअली पहले ईयर एक बार क्लीन कराने के लिए लेकर आए थे, इसीलिए फिर हम लोग है ना इसे यहाँ लेकर आए। डॉक्टर यहाँ पे बेसमेंट में बैठे हैं, सो वी आर जस्ट गोइंग टू सी द डॉक्टर। डॉक्टर विक्रांत है। दोस्तों हमने डॉक्टर को दिखा दिया और भावित के एक राइट ईयर में
फंगल इन्फेक्शन था, तो उन्होंने क्लीनिंग कर दी है और क्लीनिंग करके मेडिसिन जो ड्रॉप्स जो देने थे वो प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। तो बस एक्चुअली गलती ये थी कि डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको कान में कुछ भी नहीं डालना है, एंड लाइक मैंने सॉलीवैक्स डाल दिया था एंड विद एन ईयरबड आई ट्राई टू यू नो क्लीन इट। तो उन्होंने बोला कि छोटे बच्चों में ईयरबड्स तो डाला ही नहीं चाहिए और सॉलीवैक्स तो बिल्कुल नहीं, बिना पूछे नहीं डालना है। तो दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द मिस्टेक जिसकी वजह से शायद फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो बस अभी तो इट इज़ क्लीन एंड 7 डेज का मेडिसिन दिया है, तो ही इज़ गुड नाउ। और बस वहाँ से निकलते ही महाराजा मॉल चलें कि रट लगा के रखे हैं, मॉल चलें। तो बस हम लोग घर के पास एक एस्प्लैनेड मॉल है, द एस्प्लैनेड, तो वहाँ जा रहे हैं अभी और इसको थोड़ा सा प्ले एरिया में खिलाएंगे। दोस्तों हम लोग अभी रिसेंटली अपने एनिवर्सरी ट्रिप पे गए थे प्राइम नीलकंठ और सरिस्का में, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा हमने जो भी वीडियो शूट किए, अनफॉर्चुनेटली जो कार्ड था वो करप्ट हो गया है और वी आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट द वीडियोस। आई डोंट नो, मैक का प्रॉब्लम है, मैक का ही प्रॉब्लम है आई गेस। तो उस वजह से कर नहीं पा रहे हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड इट ऑनलाइन ऑप्शंस टू रिकवर द डेटा, पर दोज आर वेरी 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 एक्सपेंसिव, कम से कम $60-70 मांग रहा है कोई भी ऐप। मैक में ये प्रॉब्लम है कि आप अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करो ना, इट वुड आस्क यू फॉर मनी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पे करना पड़ता है। पर विंडोज़ में कहीं ना कहीं क्रैक सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं और कहीं कैसे ना कैसे करके आप एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं हम लोग शायद विंडोज़ से। पर चलिए चलते हैं मार्केट में, देखते हैं अगर कोई ऐसा वेंडर है जो हमारी हेल्प कर सके टू रिकवर द डेटा विद सम मिनिमल अमाउंट, तो विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट दैट सो दैट वी कैन मेक दैट वीडियो, बहुत मेमोरेबल वीडियो है वो, वी डोंट वांट टू लूज द डेटा। चलिए देखते हैं। तो ये वाला जो मॉल है मेरे घर के पास है कॉल द एस्प्लैनेड, और यहाँ पे अभी रिसेंटली सिनेपोलिस खुला है, तो मैं सोच रही हूँ मनीष के साथ कोई मूवी देखने आऊँगी थोड़े दिन बाद, बट अभी फ़िलहाल तो खुला है। क्या करना है? खुला है मॉल, खुला है, ये यिप्पी, टुडे इज अ प्लेइंग टाइम, वाह। सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं दोस्तों। ये रहा अंदर स्नैक मॉल, यहाँ पे शॉप्स खुली नहीं है, धीरे धीरे खुल रही हैं। दिस इज़ भावित्स फेवरेट शॉप कॉल्ड द हाउस ऑफ कैंडी। ये रही टॉय ट्रेन एंड दिस इज भावित्स फेवरेट स्पॉट। जब भी आता ना ये इतना ओवर एक्साइटेड होता है। ओके डाडा, ओके दिस इज द प्ले एरिया। आप क्यों नहीं है? कोई नहीं है तो दोस्तों दिस इज द प्ले एरिया, यहाँ कोई नहीं है और आज भावित अकेला खेलने वाला, इसका फेवरेट गेम है ये। इस वाले में डालो लड्डू, इधर में इधर डालो। बॉल्स आर गेटिंग कलेक्टेड हियर और लास्ट में देयर इज एन ऑप्शन कि आप इस डोर को ओपन करके बॉल्स का शावर में नहा सकते हैं, विच इज़ वेरी ग्रेट, इसको बहुत पसंद है। दोस्तों ये जो गेम है ना पीछे भावित खेल रहा है, ये मैं उसे एरिया मॉल में ट्राइडेंट में लेके गई थी और वहाँ पे ही जस्ट लव दिस गेम, और वहाँ जस्ट 1 मिनट में
आपको बॉल को डालना होता है और वो फिल हो जाती है एंड द चार्ज दैट दे आर चार्जिंग इज़ लाइक 100 rupees फॉर 1 minute विच इज़ टू मच. यहाँ पे 150 rupees में आप आधा घंटा बच्चे को बॉल पिट में आराम से छोड़ सकते हैं, वो बॉल पिट में खेले या पिक के खेले, स्लाइड में खेले या फिर ये वाला गेम खेले, विच इज़ आई थिंक अ गुड ऑप्शन. ये घर के पास भी है तो ये प्ले एरिया में उसे मैं लेके आती हूँ ना, बहुत खुश हो जाता है. देखिए उसने कितनी सारी बॉल्स डाल दी है, अब बस उसे ओपन करूँगी, आपको दिखाऊँगी. उसको इतना मज़ा आता है उसके शावर के नीचे खड़े होने में. आप ये वाला खेलेंगे बाबू, इसके बाद हम लोग ये खेल लिए, इसके बाद यहाँ पे ये माउंटेन वाला चढ़ाना ना, इसे चढ़ाना ना यहाँ आराम से धीरे धीरे. दोस्तों मैं ब्रेकफास्ट में आज केलॉग्स खा के आई थी एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी हंग्री, तो मैं थोड़े फ्रूट्स लेके आई हूँ. तो आई एम गोइंग टू हैव अ गुआवा. मनीष भी गुआवा खा रहे हैं व्हाइल भावित इज प्लेइंग, तो बस खा लेते हैं हम लोग. सारे कलर्स लगा रहे हो ब्लाइंड से, माय स्मार्ट बच्चा. माशा गाड़ी चला रहे हैं. हे भावित, हाय, बाय बाय. नवाब है हमारा. हो गया आपका 2 rounds. यहाँ आएगा ना तो इसे कहीं ना कहीं कार में घूमना ही है. अभी एक में बैठेगा, अभी उठ के बना दौड़ेगा दूसरे में चल के बैठेगा, बोलेगा ये वाला चढ़. हमेशा की तरह उसको सारी गाड़ियों में चढ़ना है. मम्मा के, अच्छा ठीक है, मम्मा ड्राइव, मम्मा चला रही है. स्टार्ट, ठीक है. ये मैं बैग ले लेती हूँ. दोस्तों सब कुछ आज ही एक ही दिन में करना है इसे. वहाँ पे सारे गेम्स खेल के आ गया, बट एंड सरप्राइज से 500 लगा, तो सब कुछ करके एंड ही इज इन टू हाउस ऑफ कैंडी नाउ. Yes, I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. So buy candies. Hi. Hello. ये वाला चाहिए? ये ऑरेंज लेके गया था एक बाबू. ऑरेंज चाहिए? हाँ. ऑरेंज ले लो, सबसे सेफ प्लेट. ये ऑरेंज है ना? हाँ, मेड विद टर्टल टॉप ऑरेंज. चलो रुको. मैं हमेशा ना ये वाला ट्राई करती हूँ. मुझे वो नट्स वाले बड़े अच्छे लगते हैं, नट्स फिल एंड आई लाइक दिस कोला. चेरी कोला है ना ये वाली? चेरी कोला एक बार टेस्ट कराएंगे. ये सिर्फ कोला भी तो आता है ना? देखिए सनी पॉलिस खुल गया है यहाँ पे एंड उधर आई थिंक मस्ती जोन बन रहा है एंड इधर फूड कोर्ट है. आई लव द प्लान्स हियर यार, बहुत सुंदर है. The sitting arrangement is also very good. Look at the sitting arrangement. It is like very bright and up. I like the interiors. बहुत अच्छे हैं यहाँ पे. इन्होंने ना अलग अलग sections बनाए हैं, which is very good. Like for family, for friends. ऐसे आपकी बड़ी family है तो आप यहाँ sit कर सकते हो, और अगर आप अकेले कहीं बैठना चाहते हो तो वहाँ बैठ सकते हो. And this is like very romantic setup. कि अगर आपको डिनर साथ में करना है तो एकदम लाइट्स के नीचे बैठ के अलग अलग छोटे छोटे हट्स बनाए उन्होंने. इट्स वेरी नाइस एंड सिने पॉलिसीज है. मैं आई थिंक मैं और मनीष जाएंगे देखने कि क्या मूवी लगा हुआ है.
दीज आर सम फ्यू आउटलेट्स जो यहाँ खुले हैं. मोती महल है, अमृतसरी एक्सप्रेस है, यू हैव दिस पिज्ज़ा एंड देन दिस वन लोकल चाइनीज बुक. बस दोस्तों चलिए चलते हैं साइनेपोलिस देख लेते हैं वहाँ पे कोई मूवी लगी है कि नहीं. ऑलरेडी हियर ओपन हो गया है. कौन सी मूवी लगी है? ओह मैं और मनीष देखते हैं, प्लान करेंगे, विल कम एंड वॉच अ मूवी टुगेदर. वाकई गंवानी नहीं चाहिए. तो हम लोग गाइस यहाँ से निकल रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि हम लोगों ने जो हार्ड डिस्क है वो लेना हम लोग भूल गए हैं. तो अब जो डेटा रिकवर करना था वो तो आई डोंट नो, अब घर जाना पड़ेगा. तो इसके बाद देखते हैं ये क्या है. आप बताओ. कैंडी है. तो भावित आपने खूब मज़े किए आज. मज़ा आया? मज़ा आ रही है. बहुत मज़ा आया. बोल नहीं रहा था. प्यारे लड्डू. अब चलो घर चल के खाना खाएंगे और फिर बाद में आप अपनी कैंडी खाना. ठीक है? कितने परसेंट श्योर हो? 100%. दोस्तों हम घर जा रहे हैं बिकॉज हार्ड डिस्क तो लाई नहीं है, तो घर ही चलते हैं. देखते हैं कृषिता को भी देख लेंगे, बहुत टाइम हो गया. मे बी फॉर अ सेकेंड राउंड विल टेक हर. दोस्तों अब हम घर आ गए हैं और बस भावे तो भी खाना खाएगा. देखते हैं, मुझे भी बहुत भूख लग रही है. अभी लंच कर लेते हैं, फिर बाद में प्लान करेंगे क्या करना है. दोस्तों भावित के साथ घूम के बड़ा मज़ा आया. घर आके हमने सोचा था कि हम निकलेंगे, पर पता है घर आने के बाद ना निकलना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब लाइन अप हो ही जाती है और फिर पॉसिबल नहीं हो पाता. और ठंड हो गई है तो हम लोग शाम को कहीं गए नहीं, बच्चों के साथ ही हमने टाइम स्पेंड किया. मुझे ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और आई एम वेरी लकी कि मुझे हमेशा ये अपॉर्चुनिटी मिलती है टू स्पेंड टाइम विद माय बेबीज. तो बस आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. मिलती हूँ अगले वीडियो में आपसे, तब तक टेक केयर, बाय.